गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो भाई अभी सूट कटिंग करने लग रही हूँ। आज है 19 तारीख। तो जैसे कि आपने पता है कल मेरे को गांव में जाना पड़ गया, तो अभी मेरा काम बाकी है। मेरे दो कमीज बाकी हैं अभी, इनर के और एक इनर का ब्लाउज बाकी है। शाम तक मुश्किल से कंप्लीट होंगे। और घर का काम अभी मेरा पड़ा है सारा, तो मैं पहले सूट कटिंग करूँ, पाछे मोटा मोटा घर का काम करूंगी। तो यो मैं इनर का सूट कटिंग करने लाग रही थी, तो ऑर्गेंजा का, तो इसने ऑर्गेंजा का सूट है ना, कटिंग करते समय बहुत परेशान कर रहा है। तो इसने के कर लिया, अगर जब भी इसने कटिंग करने की सेट करने की कोशिश कराई, वो इधर उधर फिसला भी ना रहे कोनी चाहिए। इसने कितना भी आप ही सेट कर ला। तो ये देखो मैंने अलग अलग दोनों पार्ट कटिंग कर लिया, नाप के साइज का इतनी लंबाई करनी है, और ये यहाँ तो बीच में तो मैंने पाड़ लिया यो। तो ये बराबर पटे है ऑर्गेंजा का सूट, चाहे आप इस साइड पाड़ लो चाहे आप इस साइड पाड़ लो, बराबर ये फटेगा। फिर के करांगा इसमें, तो यो पीछे का पार्ट है, इसमें तो मैंने निकालनी है बाजू भी और पार्ट भी। तो हमने क्यों करना है, जैसे जितनी हिप है कुर्ती की 24 इंच, हिप पे निशान लगा के उसके बाद 4 इंच और निशान लगा लो दोनों साइड, घेरा फोल्ड करने खातर। वैसे मैं 3 इंच निकाल लिया करूं, पर आप 4 इंच निकालियो, कई बार है ना कपड़ा कम पड़ जा। तो ये कट का निशान कट लगा लिया छोटा सा, यहाँ पर मैंने हिप नाप ली, इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया, और इसने भी पूरा ने फाड़ लेंगा तो ये एकदम सीधा फट जाएगा। तुम कई बार कहो उन्हें कान आ जाए, यूं आ जाए है, ई भी इसमें कान ना होगी। ई भी इसने के करो बराबर फोल्ड करो दोनों साइड तक पकड़ के अच्छे तय। अगर काबू ना आवे तो इस पर पिन लगा लो सारा पे, या इस पर मोटी सिलाई लगा लो, कैसे भी करो, फिर इसने कटिंग कर लो। तो यो एकदम आसान तरीका है, और मेन बात कुर्ती टेढ़ी ना होगी, ठीक है ना। अगर इसने वैसे फोल्ड करके काटा इन्हें किता तो यो किन्ना भाग गए, किता तो किन्ना भाग गए, तो काबू ये ना आवे। और इसमें तो निकाल लेंगा बाजू, मैंने तो लगेगी इसमें चौड़ाई कमी है, पर सेट कर लेंगा। अभी वो बचा आगे का पार्ट, तो इसने आप ही फोल्ड कर लेंगा कढ़ाई के हिसाब से, और इसने कटिंग कर लेंगा। तो मैं दोनों कुर्ती कटिंग करूंगी, दोनों कुर्ती फटाफट सिल लूंगी, टाइम बहुत कम है मेरे पास। उसके बाद शाम के टाइम देखूंगी ब्लाउज तो, और सारा मेरा काम पड़ा है, मैंने एक भी काम नहीं करे है ना, मैंने वो एक्से करी है। टाइम लगेगा तो करूंगी, ना लगे तो टाल भी उसके, शाम तक देखूंगी। और हर बार मेरा यो हाल हुआ है, लास्ट टाइम में मैं जमानी में मेरा काम ही ना बना करे, हर बार का है ये मेरा काम। और मैं भी ना के आई हूँ, बज गया 3:30। और बालक देखो किस टाइम की रोटी खां, अट ले हम तो किसे टाइम की खास का, 3:30 बजे रोटी कौन खाया करे, किसे टाइम की खास का। हाँ, और मैंने एक सूट पूरा सिल दिया अस्तर का, एक कमीज सिल दी, इब मैं नाई हूँ तड़का की, इब नाई हूँ, और मैं इब अपनी वो बनाई है थोड़ी सी मेहंदी लगाऊंगी, आगे आगे ऊपर ऊपर लगाऊंगी, उरे सी छोटा छोटा दो तीन बाल ये दौड़ा हो रहा है, और तो कितना को नहीं हो रहा। तो फिर मैं सोची थोड़ा दही एलोवेरा घेर के लगा लू हूँ, थोड़ा हाँ डैंड्रफ हो रहा है तो उसमें भी राहत मिलेगी। यू मैंने एलोवेरा उस ग्राइंडर ते वो फेंट लिया, और यह मैंने मेहंदी भिगो दी थी नान ते पहले, और इसमें डाली है दही, तो इसने थोड़ा हम मिक्स करूंगी, मिक्स करके ग्लाउज पहन के बाला का लगा लूंगी। और ईब मेरा एक ब्लाउज और सिलना रह गया अस्तर का, आज तो मेरी तड़ी भागा दौड़ हुई, बीच में मैंने काम करा जल्दी जल्दी, चटनी बनाई, रोटी बनाई, सब्जी भी ना बनाई, बाग बाग में बालक तो चला गया ग्राउंड में खेलने, इन्हें भी मदद ना कराई, तो फिर मेरी रेल बंदगी। इब सोनिया आई है, सोनिया आई रोटी खा के बैठी आई है, तो या तो आती तो मदद करा देती, इब शाम की तरह मदद करा देगी, उसके वैक्स भी करूंगी, दिख कौन इसमें पर है। तो इब मैं लगा लूंगी मेहंदी, तेरी इस्तीसी मैं आग न पकड़ा बैठी सू।
तो वही मारो ट्रीटमेंट चल रहा है मारी करवा चौथ की तैयारी हो गई इस टाइम सारे जो सूट सी में आने ये ब्लाउज सीन कटिंग भी मंजवाई है मुझे को ट्रीटमेंट करूंगी आईब्रो बनाऊंगी फिर इसके फेशियल करूंगी पपाया को ज्यादा केमिकल को नहीं कराया करा अभी नॉर्मल ही कराया करा वैसे लोटस को भी रखे मैंने कौन लिया ही नॉन केमिकल को नहीं करा फ्रूट फेशियल वो दे रहा मैं तो ये करूंगी तू चाहे तो इसे के बना दिया तार ले आन भी लिया फेशियल कर तार ले और मैं मेहंदी धो के आई हूँ कुर्ती भी भीज गई मेरी और एव सोनिया दर करवाऊंगी फेशियल पहले करूंगी मंजू का मंजू सिंह आ रहा हूँ पहले तो मैं दी रच गई ए मेरा मत ताई रच रही या रच रही मत ताई सुबह शैम्पू तो तार लूंगी शैम्पू तो उतर जाएगी बचेगी तो थिनर तो उतर जाएगी या तो थिनर तो कलर भी तो उतर जा रहे चेड़ो तो या कड़ा बचेगी मेरी आईब्रो कौन सी बनाओगी मेरी आईब्रो तो या तो छिदी हो रही है सोनिया ना आईब्रो ना आवे आपे बनानी पड़ेगी मन तो और आज तू फ्री हो क्या री तरगन रोटी कौन बनाओगो लाल मिर्च थोड़ी सी घेरी तेज से पिछली बार तेज बताई थी ना बड़ा कान तो भाई मैं फेशियल कराने बैठी हूँ शाम का बज रहा है 8:30 सब्जी सोनिया ने छोक दी थी आटा मैंने भिगो दिया था और साथ साथ सब्जी बनन लाग रही थी फिर मैं सोची फेशियल करवा के फिर रोटी बनाऊंगी और के नाम से मंजू छोड़ के आ रही थी आपकी काम वाले का भरोसा बोली मैं बोल के आ रही हूँ रोटी बना देगी काले का दी थी उस टाइम तो आराम से बैठी रही आराम से उसने आईब्रो करवाई फेशियल करवाए कटिंग करवाई सारा काम करवाया 8:30 हो गया फिर उस मोनू को फोन आया उसका छोटा बेटा को बोले मम्मी आज रोटियां के विचार है जदवा फोन करके पूछा है तो काम वाली बोली मेरे तो बुखार हो रहे जद जाके उसने रोटी बनाई जद गई वाह और मैंने ना सारा दिन भागम भाग इतनी जल्दी जल्दी घर का काम और मेरे का ही आइटम रह रहा था सिलन का सारा मैंने ईव जब मैं फेशियल कराऊं थी ना ईव मैं थोड़ी देर पहले 7:00 7:30 आटी हूँगी मैं ब्लाउज सिल के लास्ट ब्लाउज मंजू को रह रहे थे
तो वो सिल लो। ये मैंने फिर अपनी मेहंदी निकाली सिर की और फिर मैं फेसियल कराने बैठी थी। सोनिया करेगी लगेगा आधा घंटा तो फिर रोटी बनाऊंगी। रोटी बना के खा के बर्तन धो के फिर आता हूँ कमरे, जागो वैक्स करनी, वैक्स करके फिर कितने मेहंदी को नंबर लगा गो। इतने मेरम तो इतनी थकान हो ली जब तक मेहंदी का टाइम आयो। सोनिया बोली चल मौसी पटेल नगर में लगवा के लियाऊंगी। 12 बज गया था, मैं वैक्स करके हटी थी ना उस टाइम। बोली चल पटेल नगर में ले चलूंगी, बैठी पाऊंगी मेहंदी आली अरूढ़ लगवाया ये ना मानी लेगी तक दिखाऊंगी। मैंने वो आगे क्लिप डालूंगी थोड़ी सी, सिर मार के उल्टी आ गई मेहंदी वाली पाई है कोई कोई भी ना बैठी थी। फिर आके थोड़ी सी लगाई, मेरे तो जमा इस कति थकान हो गई थी, नींद आ थी। एक फूल बार की साइड लगाया उसने पुरवा रचाया बस, और फिर सोई इतना हमें 1 बज गया था। रोटी बनाई फिर सोनिया बोली मेरे तो हलवो खाने जी करा है। उसने फिर हलवो बनाए, बोली लिया मैं बनाऊंगी, मैं सीख भी लूंगी। उसने फिर मैं बताएंगी उसने बना लियो। तो वह तो सोंदी सोंदी एक बार और खा के सोई। 1 बज गया था हमने तो, इतने तो दोबारा भूख ला गया ही। तो ये भी मेरे फेसियल करने लाग रही है, आगे की क्लिप में लगा दी हूँ। तब मैं 12 बजे पटेल नगर में गई थी, वह देख लियो एकदम। और मेरा तो ना हर बार न्यू ही खराब माटी रहा है। मैं चाहे कितना ही मैं सोचू कि इतना ज़्यादा कौन लूँ फिर भी इतना हो जा है, मना ही ना करा जा और फिर मेरी खराब माटी हो जाए लास्ट दिन तक। बहन मेरे ब्लाउज का हुक तुरपाई रहा है तो वह मैं सुबह ही उठ के करूँगी फिर जाके पहनूंगी। इतना बुरा हाल हो गया है जमा। लो भाई फेसियल हो गया कंप्लीट। ईब लगाया है पैक, 10 मिनट सूख जाने के बाद इसको रिमूव करूंगी फिर बनाऊंगी रोटी। बतेरा हो लिया फेसियल, ईब बालक मांगे रोटी। क्या बज गया सोनिया? 9:30। ओहो राहुल दो रही बत मेहंदी की मंगवानी है और एक ब्लाउज और पुचाना उसको तुरपाई खातर जद वह सुबह देगी और वह कुर्ती वापस मंगवानी है। सो गाइज हम जा रहे हैं अभी घूमने, मेहंदी लगवा वैक्स करवा ली मेहंदी। तेरे पापा बैठे पाओगे कोई जे कोई बैठे पाओगे तो लगवा के आ जाओ और नहीं सारी कॉम्प्लेक्स होगी तो ना देर हो तो और नहीं तो अपना घूम के उल्टी आ जाऊंगा। सो गाइस अगर पैसे ज्यादा लिए तो हम मेहंदी नहीं लगवाएंगे। फिर हमारे घर पे लगाएंगे आके घर पे वापस आके। अरे नहीं तो बता के करवा के आई है। अभी मैं वैक्स करा के आई और फेसियल फेसियल और फेसियल होने के बाद देखिए गाइस फेस मधु मधु गई काली होगी नीचे हाइलाइट भी लगा रखी है आज तो। प्रधान ने देख ग्राउंड चमका दियो, सबसे ज्यादा गमला लगा रखा है और एक भारी सब इसका बरगद का पेड़। पुलिस वाला पे किसने आके पुलिस वाले घर वाली सूट लेने गई थी और पुलिस वाले वी गड़ को सूट थोर वा नहीं कहे गोल गड़ को चेंगे पुलिस वाला डंडो मारने आते नहीं कहे गोल गड़ तो ही बना दिया। इतनी दूर आ गया तो की लाइन में भी डरेगी पुलिस लाइन में भी डरेगी तो डरेगी फिर चल बाहर पटेल नगर में बताई। सो गाइज हम घूम के वापस आ चुके हैं और हमें कोई भी मेहंदी वाला नहीं मिला, सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। पर यह सोनिया मानी नहीं, मैं तो पहले भी गई थी घर ही लगा जा सोनिया पर ना मानी बोली ना चलांगा। अभी हम आ गया घूम के तो हम सर मार मोर के वापस आ चुके हैं ढूंढ की सारे किते हमने कि में नहीं पाए उड़े। तो इब जाके अपने एक मुठियो हाथ में एक हाथ में और सो जाऊंगी। पहली मुट्ठी बिच के नहीं सो जाया करती और तड़की रच के रची पाक
फिक्स है। ओके गुड नाइट बाय दोस्तों, कल मिलते हैं एक नई सुबह के साथ।